लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर पूरी तरह से जुटी हुई है। इसके लिए एक तरफ पार्टी आरएलडी को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर चुनाव में किसे मैदान में उतारा जाएगा या किसे नहीं, इसको लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को हासिल करने के लिए बीजेपी एक एक सीट पर गहन विचार कर उम्मीदवार को मैदान में उतारने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। इसके अलावा पार्टी कई सीटों पर नई चेहरों को भी आजमाकर सबको चौंका सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीट से मौजूदा सांसदों की छुट्टी कर सकती है, उनमें कानपुर की सीट शामिल है, जहां सत्यदेव पचौरी 2019 में चुनाव जीते थे। बहराइच सीट से अक्षयवर लाल का भी टिकट कट सकता है। इसके अलावा गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल और हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कट सकता है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बरेली सांसद संतोष गंगवार, फिरोजाबाद से सांसद चंद्रसेन जादौन का भी टिकट कट सकता है। वहीं बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह का टिकट भी कटने की संभावना जताई जा रही है। इस सीट से बीजेपी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, प्रयागराज से सीता बहुगुणा, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कट सकता है। वहीं अकबरपुर में भी कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। 2019 के आम चुनाव में जीतने वाले पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी और बदायूं से संगमित्रा मौर्य के टिकट मिलने पर सस्पेंस बना हुआ है। इन सीटों पर नए चेहरे पर दाव लगा सकती है बीजेपी। जिन सीटों पर नए चेहरों को लाने की तैयारी है, उनमें पहला नाम सहारनपुर का है, जहां से बीजेपी के राघव लखनपाल की जगह नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। बिजनौर सीट पर बीजेपी कुंवर भारेंद्र सिंह की जगह नया चेहरा उतार सकती है, जो कि जाट चेहरा हो सकता है। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य की जगह नया कैंडिडेट सामने आ सकता है। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार की जगह नया चेहरा मैदान में उतर सकता है। अम्बेडकर नगर से मुकुट बिहारी वर्मा नए चेहरे को टिकट मिल सकता है। श्रावस्ती से ददन मिश्रा, लललगंज से नीलम सोनकर और घोसी से हरिनारायण राजभर की जगह नया चेहरा संभव है। किन सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है, वो नगीना सीट से यशवंत सिंह की टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि संबल सीट से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर की टिकट पर भी सस्पेंस है। इसके अलावा रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह की टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। जयंत चौधरी समाजवादी के चीफ शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव के साथ साथ इंडिया अलायंस के लिए भी बड़ा झटका होगा।